हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल और आज की जो वीडियो है वो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आज है ट्वेंटी ऑफ अप्रैल 2023 जिसका मतलब है आज है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक हॉलीडे इस पब्लिक हॉलीडे का नाम है एनजेक डे और इसे ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉप्स के नाम से भी जाना जाता है आज के दिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में गैलीपोली पोली में जो आ, फाइट हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट किया था ऐसा कहा जाता है कि करीबन सत्रह हज़ार से ज्यादा जो सिपाही थे उन्होंने आ, इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था न्यूजीलैंड के सिपाहियों ने और करीब सत्ताईस सौ से ज्यादा जो है वो कैजुअलिटीज हुई थी आज के दिन सुबह से ही आ, जो सेरेमनी है वो शुरू हो जाती है सुबह के टाइम में जो न्यूजीलैंड का फ्लैग है वो हाफ होस्ट किया जाता है यानी आधी दूरी पर उसे फहराया जाता है है। ये एक तरीका है शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देने का और शाम के टाइम में अलग अलग सिटीज में जो एक्स सर्विसमैन या वीमेन है वो मार्च करते हुए आते हैं और जो पब्लिक है वो उन्हें क्लैप करके या सल्यूट करके उनकी सर्विस के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है जैसे इंडिया में हम इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हुए हैप्पी रिपब्लिक डे या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं वैसे यहाँ एनजेक डे में हैप्पी एनजेक डे नहीं कहते क्योंकि ये एक श्रद्धांजलि दिवस है और आज के दिन आ, लोग साध हैं बट एट द सेम टाइम अपनी रेस्पेक्ट भी शहीदों को जो है वो दे रहे हैं तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कहीं पर भी हैं ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल के अराउंड तो आप इस दिन को सेलिब्रेट होते हुए जरूर जरूर देखेंगे आज के दिन पॉपी फ्लावर नाम का एक फ्लावर होता है जो कि रेड कलर का फ्लावर होता है और उसमें बीच में एक ब्लैक डॉट होता है उस फ्लावर को आ, पहन के लोग अलग अलग जगह घूमते हैं हैं और अलग अलग एन को भी सपोर्ट करते हैं आ, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जब फाइट चल रही थी स्पेशली अराउंड बेल्जियम और फ्रांस तब वहां पर शहीदों आ, की जो तादाद थी वो बढ़ती जा रही थी बट एट द सेम टाइम जो पॉपी फ्लावर्स हैं वो हर जगह दिखाई दे रहे थे तो ये फ्लावर जो है वो सिंबलाइज करते हैं कि वर्ल्ड में चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हो पॉजिटिविटी अपनी जगह बना ही लेती है तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आपसे मैं मिलूंगी अगली वीडियो में बने रहिए मेरे साथ एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम बाई